हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपनी आज की इस तैली के वीडियो में जानेंगे व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, और दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि कब हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और कब हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एंड वाइस एंड वर्सा। दोस्तों, इस सस्पेंस अकाउंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन टैली एक्सेल पावर पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट को अगर हम क्लियरली समझने की कोशिश करें तो ये जनरल लेजर होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं बिकॉज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हमें सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करना होता है, और हम इसे क्रिएट करते हैं टेम्पररी बेसिस पर। जब हमें इसके बारे में डिटेल मिल जाती है तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इसके परमानेंट हेड में। दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट को आप कब क्रिएट करते हैं? जब मान लीजिए कि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास बैंक में कुछ कैश आया तो आपने बैंक को तो डेबिट कर दिया, लेकिन आपको सेकंड पार्टी की डिटेल नहीं है, तो आप ऐसे केस में दोस्तों इसको सस्पेंस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, और जैसे आपको पता चल जाता है कि ये पेमेंट आपको किसने दी है तो आप इसको उसके हेड में परमानेंट ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ दोस्तों, आपको एक और चीज की ध्यान रखनी है कि सस्पेंस अकाउंट आप ज्यादा टाइम तक मेंटेन ना कीजिए, और आप हो सके तो सस्पेंस अकाउंट की जितना जल्दी डिटेल निकाल सकते हैं आप डिटेल निकालकर इसको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आफ्टरवर्ड सम टाइम जब निकल जाता है दोस्तों तो इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। नाउ दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप्स में दोस्तों 9 ग्रुप्स अपीयर होते हैं बैलेंस शीट में, और 6 ग्रुप अपीयर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोस्तों इसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि कब हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें और कब क्रेडिट। तो दोस्तों, ये दोनों ही केस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी एंट्री कर रहे हैं। समटाइम आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट देंगे और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट, और समटाइम आप पार्टी अकाउंट को डेबिट देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट, वाइस एंड वर्सा। दोस्तों आइए दोस्तों, आप हम सस्पेंस अकाउंट को 4 एंट्रीज पास करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली एंट्री में है ₹10,000 रिसीव इन बैंक थ्रू IMPS फ्रॉम स्टार मोबाइल शॉप। जैसे कि आप पहली एंट्री में देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल है कि हमारे पास ₹10,000 आए हैं, बैंक के थ्रू आया है, IMPS के थ्रू आया है, और स्टार मोबाइल शॉप ने हमें इसकी पेमेंट दी है। तो हम इसकी एंट्री नॉर्मली कर लेते हैं। जैसे कि हम टैली में चलते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे V। दोस्तों आप यहाँ पर टैली में अभी आप एंट्री मोड में आ जाओगे, और आपको यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करना है F6। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हमें जो पेमेंट कर रहा है हमें पता है कि हमें कहाँ से बैंक में कैश रिसीव हो रहा है, तो हम स्टार मोबाइल शॉप को हम क्रेडिट कर देते हैं बिकॉज दोस्तों हमने इसको यहाँ से कुछ सेल किया था जिसके अगेंस्ट में ये हमें पेमेंट कर रहा है। नाउ दोस्तों, अमाउंट है ₹10,000, अगेंस्ट डिफरेंस ले लेते हैं हमने दोस्तों, इसकी एक इनवॉइस बनाई थी 1 अगस्त को 16,520 की, उसके अगेंस्ट में हमें ये पेमेंट कर रहा है, तो आइए हम 10,000 इसके अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारे को बैंक ऑफ इंडिया में इसका पैसा आया है। नाउ हम इसकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पर टाइप कर देंगे IMPS रिसीव्ड फ्रॉम अबव पार्टी, और हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकेंड एंट्री है ₹20,000 रिसीव इन बैंक थ्रू IMPS फ्रॉम पार्टी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमको ये किस पार्टी ने पेमेंट किया है। दोस्तों, पहली एंट्री में तो हमको पता था कि किस पार्टी ने हमें पेमेंट किया है, तो हमने रिसीव की एंट्री कर ली है, लेकिन सेकंड में हमको नहीं पता है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? दोस्तों, आपको इतना तो पता है कि आपके अकाउंट में क्या बैंक से पैसे आ रहे हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पर बता दोगे कि आपको कैश आ रहा है, लेकिन कौन सी पार्टी से आ रहा है वो आपको नहीं मालूम, तो आप यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की जगह पर दोस्तों आप क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट को दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर लेजर नहीं क्रिएट है, तो हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर देंगे और इसी की मदद से सस्पेंस अकाउंट, दोस्तों हम इसको अंडर रखेंगे सस्पेंस अकाउंट के, और हम इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे।
ना दोस्तों, हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है सस्पेंस अकाउंट को। दोस्तों यहाँ पर तो आना चाहिए था पार्टी अकाउंट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें किस पार्टी ने पेमेंट दिया है, इसके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ना दोस्तों अमाउंट कितना है, 20,000। ना दोस्तों आपको बैंक ऑफ इंडिया में, आपकी जो भी बैंक हो, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिया है, और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बींग IMPS रिसीव बट नॉट नोन विच पार्टी डू द पेमेंट। ना दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास तीसरी एंट्री है, इन योर एब्सेंस पेमेंट ऑफ ₹50,000 पेड टू एनी पार्टी बट पार्टी नेम नॉट नोन फ्रॉम बैंक। दोस्तों हमने यहाँ पर एक पार्टी को पेमेंट कर दी है, हो सकता है कि आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो और आपके एब्सेंस में आपके शॉप से, आपकी कंपनी से दोस्तों कुछ पेमेंट कर दी हो और आपको नहीं पता कि वो पेमेंट कैसे की गई और IMPS के थ्रू किया गया हो, तो दोस्तों स्टेटमेंट में लिखकर भी नहीं आता, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो दोस्तों जिस तरीके से हमने रिसीव करी थी, हमने यहाँ पर F5 की मदद से पेमेंट मोड में चले जाना है। और दोस्तों अब आप यहाँ पर, आपके पास से बैंक से पैसे जा रहे हैं तो आप बैंक को क्रेडिट दे दोगे, बट यहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है आपको उसकी डिटेल नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और जब आपको पता चल जाएगा कि पेमेंट किसने किया है, तो आप इसको एक्चुअल पेमेंट उसके हेड में ट्रांसफर कर दोगे, वो भी अभी हम समझ लेंगे। ना दोस्तों अमाउंट था इसका ₹5,000। ना दोस्तों ये हमने बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करी है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें अब लिख लेते हैं बींग पेमेंट बाय बैंक ऑफ इंडिया बट पार्टी नेम नॉट नोन। नाउ दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर लोन रिसीव हुआ है, लेकिन दोस्तों हमें किस पार्टी ने किया है उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है, तो आप ठीक दोस्तों इसकी एंट्री रिसीप्ट में कर दोगे। हमें किसने दिया है वो हमें पता नहीं, इसके लिए हम पार्टी के अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दोस्तों अमाउंट कितना है, ₹60,000। ना दोस्तों हमारे पास ये बैंक ऑफ इंडिया में आया और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बींग लोन अमाउंट रिसीव बट पार्टी नेम नॉट नोन। ना दोस्तों अब हम चलेंगे डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में लेजर। दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे सस्पेंस अकाउंट में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो एंट्रीज पास करी थी, हमने यहाँ पर 3 सस्पेंस अकाउंट में एंट्रीज पास करी थी जो हमारे को यहाँ पर शो हो रही है। अब मान लेते हैं कि हमने जो पहली एंट्री करी थी ₹20,000 की, जो कि IMPS रिसीव हुआ था, लेकिन हमें पार्टी का नाम नहीं पता था, तो अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर पार्टी का नाम पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे यहाँ पर पार्टी का नाम है स्टार मोबाइल का पेमेंट है, लेकिन हमें ना पता होने के कारण हमने इसको सस्पेंस अकाउंट में डाला हुआ था। ना अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और हम इस नरेशन को रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर अब टाइप कर देंगे बींग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अबव पार्टी। दोस्तों आपके पास जो भी मूड चाहे RTGS IMPS NEFT और जो भी मूड हो, आप कुछ सारी डिटेल यहाँ पर नरेशन में फिल कर सकते हो। नाउ अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों सस्पेंस अकाउंट से एक एंट्री जा चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों पेमेंट की एंट्री, कि आपने पेमेंट करी थी लेकिन आपको नहीं पता कि आपने किसको पेमेंट किया था। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक बिल परचेज किया था और हमने इसकी एंट्री नहीं पास करी थी, अब हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने पेमेंट करी थी 5,000 की, वो स्मार्ट मोबाइल सेलर को पेमेंट दिया था। नाउ दोस्तों हम सेम इसकी भी एंट्री इसी तरीके से ले लेते हैं और अब हम यहाँ पर फिर से नरेशन टाइप कर लेंगे मेन पेमेंट टू अबव पार्टी। दोस्तों आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पर नरेशन में फिल कर लीजिएगा। नाउ दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद आपकी एक और एंट्री बच जाती है कि आपने सस्पेंस अकाउंट में आपको लोन रिसीव आपको सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन किसने आपको लोन दिया था उसकी भी डिटेल आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता चल गया कि आपको लोन किसने दिया था, तो आप उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पार्टी से परचेज किया था, उसी ने हमारे को लोन भी दिया था, तो हम उसको यहाँ पर ले लेंगे। एग्जाम्पल परफेक्ट
मोबाइल स्टोर से हमने यहाँ पर लोन लिया था और हम यहाँ पर इसको अब मेंशन कर देंगे बीइंग लोन फ्रॉम अबव पार्टी। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए अब आपका सस्पेंस अकाउंट एकदम क्लियर हो चुका है। तो आप इस तरीके से जब आपको डिटेल नहीं होती तो आप सस्पेंस अकाउंट में इसकी एंट्री कर पोस्टिंग कर देते हो और आप बाद में इसके परमानेंट हेड में इसको ट्रांसफर कर देते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।